गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ आर जीके। आज हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वेजिटेबल किसके बारे में जानेंगे हम, आर्टीचोक के बारे में। आई एम अ स्पाइनी ग्रीन वेजिटेबल। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि बिल्कुल स्पाइनी ग्रीन कलर का है। स्पाइनी मीन्स इसमें छोटे छोटे कांटे टाइप के होते हैं। इस वेजिटेबल को हम क्या बोलते हैं, आर्टीचोक, ARTICHOKE, चोक, आर्टीचोक, ठीक है। ये देखो इस वेजिटेबल को हम आर्टीचोक बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। आई एम अ शार्प टेस्टिंग हॉलो स्पाइस। इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही तीखा होता है, ठीक है। बहुत ही शार्प मतलब बहुत ही तीखा टेस्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। और ये एक मसाला है, एक टाइप का मसाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर, PEPPER, पेपर, ठीक है। पेपर को हम हिंदी में काली मिर्च भी बोलते हैं, या गोल मिर्च, या फिर गोलकी भी बोलते हैं, ठीक है। आप अपने मामा से पूछना, वो आपको दिखा देंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। आई एम एन ऑरेंज वेजिटेबल दैट ग्रोज अंडर ग्राउंड। ये एक ऑरेंज कलर का वेजिटेबल है जो ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट। कैरेट का मतलब गाजर। आप सब कोई गाजर खाते हो ना सैलड के लिए, तो ये ऑरेंज वेजिटेबल कौन सा है, कैरेट है, CARROT। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, आई एम अ लार्ज ऑरेंज वेजिटेबल ग्रोइंग इन अ वाइन। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि बहुत ही लार्ज होता है और ये ज़मीन पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये क्लाइंबर्स नहीं है, ये ज़मीन पे ग्रो करते हैं। ये एक टाइप ऑफ क्रीपर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, पम्पकिन, PUMPKIN, पम्पकिन। ये देखो ये वाली जो वेजिटेबल है गोल सी, इसको हम पम्पकिन बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कोहड़ा भी बोलते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, आई एम अ कूल क्रिस्प वेजिटेबल पुट इन सैलड। ये एक वेजिटेबल है जिसको हम सैलड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा। खीरा आप सब खाते हो ना। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, आई एम अ स्वीट वेजिटेबल दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। ये एक तरह का बहुत ही स्वीट वेजिटेबल है जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यम, YAM, यम। यम को हम हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं, या फिर आप इसको स्वीट पोटैटो भी बोल सकते हो, ठीक है। पिक्चर में देखो, इसको हम यम बोलते हैं। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन। आई एम अ टाइप ऑफ स्क्वैश। ये एक टाइप का स्क्वैश है जिसको हम ज्यूकिनी बोलते हैं, ZUCCHINI, ज्यूकिनी। ये देखो आप पिक्चर में, ये एक ज्यूकनी है जिसको हम सैलड में या फिर पिज़्ज़ा विज़ा अगर आप खाएंगे तो उसमें इसको डाला जाता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द 8th नंबर क्वेश्चन। आई एम अ पर्पल वेजिटेबल ऑल्सो कॉल्ड ब्रिंजल। ये जो वेजिटेबल है ये बिल्कुल पर्पल कलर का है और इसको हम ब्रिंजल भी बोलते हैं, दैट इज एग प्लांट। एग प्लांट का मतलब EGG, एग, PLANT, प्लांट। एग प्लांट क्या होता है, एग प्लांट का मतलब होता है बैंगन। बैंगन को आप ब्रिंजल भी बोलते हो, वो पर्पल कलर का भी होता है, तो उसको हम एग प्लांट भी बोलते हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, आई एम अ क्रिस्प ग्रीन वेजिटेबल नोन एज सेलरी। क्रिस्प ग्रीन कलर का ये वेजिटेबल होता है जिसको हम CELERY, सेलरी बोलते हैं। ये देखो ये सेलरी का प्लांट है, इसको हम हिंदी में अजवाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आप अपने मम्मी को बोलना अजवाइन दिखाने के लिए, वो मम्मी दिखा देंगे आपको। ये किचन में खाने बनाने में यूज़ होता है। नाउ कम टू द 10th नंबर क्वेश्चन। आई एम अ ग्रीन वेजिटेबल दैट लुक्स लाइक अ कॉलीफ्लावर। ये ग्रीन कलर का वेजिटेबल है जो बिल्कुल फुल गोभी की तरह दिखता है, जिसको हम ब्रोकली बोलते हैं, BROCCOLI, ब्रोकली। ये देखो ये जो है आपका ब्रोकली है, जो बिल्कुल ग्रीन कलर और गोभी की तरह होता है। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। आई एम अ येलो वेजिटेबल, यू कैन ईट इट ऑन इट्स कॉब। ये एक येलो कलर का वेजिटेबल होता है जिसको आप खा सकते हो, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, CORN, कॉर्न। कॉर्न मतलब मक्का, देख रहे हो यहाँ पे। नाउ 12th नंबर क्वेश्चन। आई एम अ लीफी वेजिटेबल पुट इन सैलड। ये एक लीफी वेजिटेबल है जिसको हम सैलड बनाने में यूज़ करते हैं, एंड इसका नाम है लेट्यूस, LETUCE, लेट्यूस। लेट्यूस जो है, ये देखो हम इसको लेट्यूस बोलते हैं। तो आप जब भी बर्गर वगैरह खाओगे तो इनको ना कच्चा भी खाया जाता है, इनको बर्गर में या फिर सैलड बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। चलो अब हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम चैप्टर 8 बर्ड्स के बारे में और उनके नेस्ट मतलब उनके घोंसले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो बर्ड्स ना नेस्ट क्यों बनाती हैं? वो नेस्ट बनाती हैं टू ले एंड प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड बैड वेदर्स। बर्ड्स जो हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करते हो ना सारे वेदर से, ठंड से, बरसात से, धूप से, ठीक है, और आप अपने आप को बचा के रखते हो, अपने घर में रहते हो तो आप सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हो। उसी तरह से बर्ड्स भी ना अपना एक घर बनाती हैं जिनको हम नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। तो वो क्यों बनाती हैं? ताकि वो उनमें एग्स ले कर सके, अंडे दे पाए और उनको बचा पाए। अपने जब वो उन एग्स में से जब छोटे छोटे बर्ड्स के बेबी निकले तो वो उनको ना दूसरे जानवरों से बचा पाए और फिर बैड वेदर से भी उनको प्रोटेक्ट कर पाए। चलो अब देखते हैं कौन सी बर्ड कैसा नेस्ट बनाती है। सी योर फर्स्ट क्वेश्चन, एन अमेरिकन रॉबिन यूज ग्रास एंड मड टू मेक अ डीप कप लाइक नेस्ट। एक अमेरिकन रॉबिन बर्ड होती है, देखो ये एक अमेरिकन रॉबिन बर्ड है जो कि नेस्ट बनाती है जो मड और ग्रास का यूज करती है नेस्ट बनाने के लिए, अपने घोंसले को बनाने के लिए। और किस शेप में ये लोग अपने घोंसले बनाते हैं? कप के शेप में अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। नाउ सी योर ए एम ई आर आई सी ए एन अमेरिकन आर ओ बी आई एन रॉबिन अमेरिकन रॉबिन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आओ, हमिंग बर्ड बिल्ड्स अ टाइनी नेस्ट यूजिंग मॉस फेदर लीव्स एंड थिसल्स एक्सेट्रा। हमिंग जो है एक बहुत छोटी सी बर्ड होती है जो कि बहुत छोटे छोटे नेस्ट बनाती हैं। किन चीज़ों को यूज़ करके? मॉसेस को यूज़ करके, फेदर्स मतलब कि मॉसेस क्या, जो छोटे मोटे जो पेड़ों में आपको पेड़ जो सूख जाते तिनके होते ना उनको यूज़ करती है, या फिर फेदर्स इधर उधर से कहीं से फेदर्स को लाती है, या सूखे लीव्स को, या फिर रुई वगैरह कलेक्ट करके ये हमिंग बर्ड जो है सो अपना छोटा सा नेस्ट बनाती है। सी या इसको हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? एच यू डबल एम हम आई एन जी इन हमिंग बी आई आर डी बर्ड हमिंग बर्ड। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, An oriole constructs a hanging nest at the end of a tree branch. Oriole एक bird है जो अपना nest कैसा बनाता है? Hanging nest बनाता है, मतलब वो tree के जो डाल से है ना, branch मतलब पेड़ के डाल से इसका जो nest है वो बिल्कुल लटकता है, hang करता है, ठीक है। See here, ये जो beautiful सी yellow color की bird है इसको हम oriole बोलते हैं, O R I ori O L E all oriole, ठीक है। Now see here question number 4. A tailor bird constructs a nest by sewing through leaves and strips of grass. एक tailor bird होती है, ठीक है, T-A-I-L-O-R tailor B-I-R-D bird। ये जो है कैसे nest बनाती है? ये दो leaves के पत्तों को सिल के stitch करके ये जैसे ग्रास के जो तिनके होते हैं ना उनसे ये दो लीव्स को सिलती हैं अपने चोंच से विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स एंड देन ये एक नेस्ट बनाती हैं। सीयर ये टेलर बर्ड है और देखो ये कैसे लीव्स को स्टिच किया है इन लोगों ने और इन्होंने नेस्ट बनाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट इन अ ह्यूज गैदरिंग कॉल्ड कॉलोनीज। पेंगुइन्स ना बिल्कुल हम लोगों की तरह ही, जैसे हम अकेले कहीं घर बनाना नहीं पसंद करते ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहीं पे घर बनाते वहीं रहते हैं, तो पेंगुइन्स भी ना अपने घर पे वहीं घर वहीं बनाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज गैदरिंग मतलब बहुत ज़्यादा और दूसरे पेंगुइन्स भी रहते हैं जिनको हम कॉलोनीज बोलते हैं। सी ये पेंगुइन्स हैं और ये इनके बेबीज हैं, तो ये अपने नेस्ट जनरली वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे और भी अदर ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स रहते हैं। द लास्ट वन, अ वुड पेकर मेक्स कैविटी नेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। वुड पेकर डब्ल्यू डबल ओ डी वुड पी ई सी के ई आर पेकर। तो वुड पेकर जो है वो कहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं? ये ना ट्री के ब्रांचेस में, ट्री ट्रंक्स में ये अपने चोंच से एक होल बनाते हैं और उनको अपना नेस्ट बनाते हैं। सी इन द पिक्चर, इन्होंने अपने ये बीक से अपने चोंच से ये यहाँ ट्री के ब्रांच ट्रंक में ये ऐसे गोल सा बनाया एंड दे हैव मेड अ नेस्ट हियर एंड ये यहीं पे रहते हैं। सो दैट वॉज योर बर्ड्स एंड द नेस्ट। हम बर्ड्स नेस्ट के बारे में पढ़े, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़े, अब हम कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल सॉब्रिक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ प्लेसेस जैसे आपका निकनेम होता है ना
आपके घर में जो आपका स्कूल का नाम होता है वो ज़रूरी नहीं है ना आपके घर में आपको उसी नाम से बुलाया जाए, आपके घर पे आपको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, आपका एक निक नेम होता है। उसी तरह से बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनका अपना एक निक नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीयर, सिटी ऑफ नवाब्स। सिटी ऑफ नवाब्स हम कौन से प्लेस को बोलते हैं? लखनऊ को, जो कि उत्तर प्रदेश का क्या है, कैपिटल है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, लखनऊ ना बोल के क्या बोलते हैं कभी कभी, सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम में वहाँ पे बहुत सारे नवाब्स रहते थे जिनको हम आज सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं, क्योंकि नाउ सी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम लुधियाना को बोलते हैं, LUDHIANA। लुधियाना एक जगह का नाम है, ठीक है, उसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? क्योंकि वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स का काम होता है, सबसे ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स वहीं पे मिलते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कॉटन क्लोथ्स आपको अवेलेबल होते हैं ना, उसको हम मैनचेस्टर बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में जहाँ बहुत सारा कॉटन क्लोथ्स अवेलेबल है, उसको हम कौन से प्लेस को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं? लुधियाना को बोलते हैं। एंड हम अलाहाबाद को भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, BENGALURU। बेंगलुरु को हम सिलिकन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही IT सेक्टर्स है, IT कंपनीज है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो आपके बहुत सारे लाइक लैपटॉप्स या फिर जो भी IT जनरेशन का चीज़ें जो बनती हैं, फोन्स वगैरह, वो वहीं पे सारे होते हैं, इसलिए उसको हम सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज टेम्पल सिटी, भुवनेश्वर, BHUB, भुव, ANESHWAR, नेश्वर, भुवनेश्वर। टेम्पल ऑफ सिटी मतलब भुवनेश्वर को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए हम इसको टेम्पल सिटी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वीन ऑफ द हिल्स। क्वीन ऑफ द हिल्स हम किसको बोलते हैं? दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग को हम क्वीन ऑफ द हिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दार्जिलिंग में बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। DARJELLING, दार्जिलिंग, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पिंक सिटी। हम जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, JAI JAY PUR, जयपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी पहले के टाइम के जो महल वगैरह लाइक हवा महल ये सब जो बना हुआ है, ये ना पिंक कलर के स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है। उनको पिंक पेंट नहीं किया गया है, उनमें जो ब्रिक्स यूज़ हुई है ना, जो ईंटें यूज़ हुए हैं, वो मटेरियल यूज़ हुआ है उनको बनाने में, वो सब पिंक कलर के होते हैं, इसलिए उनको पिंक सिटी बोला जाता है, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। नाउ सिक्स नंबर, सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता। कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय? क्योंकि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो, घूम सकते हो, मतलब यहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, ऑरेंज सिटी, नागपुर, NAG, नाग, PUR, नागपुर को हम ऑरेंज सिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंजेस, जो संतरे आप खाते हो, यहाँ पे ऑरेंजेस बहुत मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस यहीं पे ग्रो किए जाते हैं, इसलिए इनको हम ऑरेंज सिटी बोलते हैं नागपुर को। नाउ एट नंबर क्वेश्चन, क्वीन ऑफ डेक्कन, PUNE, पुणे। पुणे को हम क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं। देखो डेक्कन जो वर्ड है डिकेड्स से आया है, डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब बहुत ही पुराने ज़माने, ठीक है, बहुत ही बहुत पहले की टाइम। तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को बोलते हैं। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारी हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस की चीज़ें, मतलब कि पहले ऐतिहासिक या फिर सोशल या फिर आपके रीति रिवाज कल्चरल चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए हम पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, UDAI, उदय, PUR, उदयपुर। उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेक्स आपको मिलेंगे देखने को, घूमने को, इसलिए इसको हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी, ये बहुत ही कॉमन है, जमशेदपुर, JAMSHED
PUR जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम स्टील सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टील जो है प्रोड्यूस किया जाता है बहुत ही लार्ज नंबर में, इसलिए इसको हम स्टील सिटी बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, ये जो तीन चैप्टर मैंने आपको वीडियो में बताया है, ये सारे आंसर्स आप अपने बुक में फिल कर लोगे, ठीक है, और फिल करके अच्छे से रख लोगे। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैम आपको कुछ भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर देंगी अच्छे से और समझा देंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।